जयपुर। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस के कई किले पिछली बार ध्वस्त हो गए थे, लेकिन शेखावाटी की 3 सीटों का ऐसा तिलिस्म है कि यहां आज तक भाजपा का कमल नहीं खिल पाया। कई रणनीति बनी, कई दाव खेले, लेकिन भाजपा अभी ऐसा अर्जुन तैयार नहीं कर सकी जो इन 3 सीटों के चक्रव्यूह को भेद सके। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। शेखावाटी की 3 सीटों का तिलिस्म, दांतारामगढ़, मंडावा और नवलगढ़ सीट की कहानी, लाखों कोशिश के बाद भी नहीं खिल रहा कमल, हर बार नजदीक आकर दूर रह जाती है जीत। भाजपा के दिग्गजों ने कर लिए कई प्रयोग, बड़ों बड़ों को उतार दिया था चुनावी मैदान में, लेकिन नहीं भेद पाए इन सीटों का चक्रव्यूह। क्या भाजपा को कभी मिलेगा कोई अर्जुन? आपको भले ही सुनकर आश्चर्य लगे, लेकिन यही सच है कि शेखावाटी में एक ऐसी सीट है जहां से सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बने और फिर उपराष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया, लेकिन इसके बावजूद इस सीट पर कभी भाजपा का कमल नहीं खेल सका। जी हां, ये है सीकर जिले की दांतारामगढ़ विधानसभा सीट। दांतारामगढ़ ऐसी सीट है जहां पर सबसे पहले जनसंघ का दिया जला था, यहां पर कांग्रेस के हाथ की धाक भी रही और कॉमरेड का लाल झंडा भी लहराया, लेकिन कभी कमल नहीं खेल सका। इस सीट की ऐसी ऐसी खासियत है कि आप ही सुनकर दांतों तले उंगली दबा लोगे। चुनाव की अबूझ पहेली है दांतारामगढ़, सबसे पहले जनसंघ का दिया जला था इस सीट पर। भैरव सिंह शेखावत इस सीट से पहले विधायक बने, मदन सिंह ने 3 अलग अलग पार्टी से जीता चुनाव, राम राज्य परिषद, जनसंघ और निर्दलीय के तौर पर जीता चुनाव। कांग्रेस के नारायण सिंह रह चुके 7 बार विधायक, कॉमरेड अमरा राम लहरा चुके हैं लाल झंडा, देवीलाल के पोते अजय सिंह जीत चुके हैं यहां से, लेकिन भाजपा का कमल एक बार भी नहीं खिल सका। शेखावाटी की 2 और सीटें झुंझुनू जिले की है, ये है मंडावा और नवलगढ़, इन पर भी भाजपा कमल खिलाने में फेल रही है। कांग्रेस के राम नारायण चौधरी मंडावा से 7 बार विधायक रह चुके हैं, बाद में मंडावा की जनता ने उनकी बेटी रीटा चौधरी को जिताकर विधानसभा भेजा। इतना ही नहीं, लच्छूराम यहां लाल झंडा भी लहरा चुके हैं और जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन भाजपा यहां के चक्रव्यूह को तोड़ने में नाकाम रही। मंडावा ऐसी सीट है जिसने बड़ों बड़ों को पानी पिला दिया। इस सीट से 1990 में चंद्रभान जनता दल के चिन्ह पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पिछली बार जब वही चंद्रभान कांग्रेस के टिकट पर आए तो जमानत भी नहीं बचा सके और 4थे नंबर पर रहे। अब बात करते हैं लोक देवता रामदेव के कारण प्रसिद्ध नवलगढ़ की। यहां पर भीम सिंह राम राज्य परिषद की टिकट पर भी जीत गए तो कांग्रेस की टिकट पर भी। इसी तरह नवरंग सिंह को जनता पार्टी के टिकट पर भी विजय दिला दी तो लोक दल के चिन्ह पर भी विधानसभा भेज दिया। मौजूदा विधायक राजकुमार शर्मा को बसपा के टिकट पर बड़े अंतर से जीत दिला दी तो जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर जनता ने निर्दलीय भी जितवा दिया। लेकिन एक काम यहां की जनता ने कभी नहीं किया और वो है भाजपा के कमल को खिलाने का। क्या इस पर टूटेगा तिलिस्म? भाजपा नहीं तोड़ पा रही चक्रव्यूह, न मंडावा झुक रहा न नवलगढ़। कॉमरेड, कांग्रेस, निर्दलीय, बसपा सब जीत चुके, लेकिन भाजपा को नहीं मिली जीत। जातीय समीकरण भी नहीं चल पाते यहाँ पर, उम्मीदवार और मुद्दों पर वोट देती है जनता। ऐसे में इस चुनाव में देखना होगा कि शेखावाटी की दांतारामगढ़, मंडावा और झुंझुनू में भाजपा कमल खिला पाती है या फिर नहीं। बीजेपी इस बार 3 सीटों को लेकर खास रणनीति भी बना रही है। हाईटेक चुनाव प्रचार के साथ ही माइक्रो बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख के आधार पर चुनाव जीतने की रणनीति बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए शेखावाटी की ये 3 सीटें किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। ऐसे में देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ उतरती है। कैमरामैन जितेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।